गुड मॉर्निंग राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी। तो मैं सबसे पहले स्वस्थ होने के बाद, अभी मैं पहले से अच्छा फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्वस्थ होने के बाद मैं गई हल्द्वानी के पर्वतीय उत्थान मंच में, जो कुमावनी बोली में जो श्रीमद् भागवत कथा रास हो रही है उसको सुनने गई, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे कथावाचक हैं, वो जो सत्याविहार में कथावाचक थे, वो वहीं हैं, श्री श्री मनोज कृष्ण जोशी जी, जिनको कि मुझे पुनः सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनकी कथा पुनः श्रवण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनकी कथा सुनाने की जो शैली है वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि मैंने इससे पहले आज तक सुना ही नहीं। तो ले चलते हैं आप लोगों को सीधे वहीं। ठुल मंदिर संसार में कोई है ही नहीं सकन महाराज। हाँ, तुम्हारे हृदय सब में ठुल मंदिर छो, और भी हृदय रूपी मंदिर में ने जब पर ब्रह्म का नचाला तो निश्चित छो कि नाचल मिल कर ना, मैं रोज कोनो उत नाचने लीजिए तैयार भैरो, है ना, कमर में हाथ धर रही मिल, बस नचौनी वाल छे, नचाओ तो सही, वो नाचने लीजिए तैयार छो। कदू सुंदर भाव छे महाराज, और कदू बढ़िया गने भगवान यशोदा आंगन में नृत्य करनी, कस पुण्य कर रहा ना ये बताओ। ये लीजिए हमार सूरदास आदि संतोल कह रखो कि यशोदा तेरे भाग की कही नहीं जाए। हे यशोदा, तुम्हें भाग्य वर्णन को कर सकूं, संसार जय कि सर पर नाचूं, उत्तर आंगन में नृत्य करण लाग रहो। जो कोई देखे तो समझे वो सबका है प्यारा, बंसी बजैया सबका है प्यारा, बंसी बजैया क्या करे यशोदा मैया, हो बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया, हो बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया, क्या करे यशोदा मैया, क्या करे यशोदा मैया। कबत जला तो सब दर्शन कर आई है ना, अब मानसी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।